धार्मिक से मैं भी जुड़ा हूँ। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। हिंदू धर्म में शिव पुराण में और गरुड़ पुराण में इस जो चीज़ आप कर रहे हैं इसका टोटल विवरण दिया हुआ है, लेकिन लोग अभी का युग वाले नहीं मानते, भागदौड़ के जिंदगी में उस सब चीज को अध्ययन नहीं कर पाता, जिसके चलते लोगों को विश्वास नहीं है और परेशान है। हाँ। और फार्म भरते रहे, मैं किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देता हूँ। गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं देता है, नहीं देता है ना, तो ये वहाँ पर ठीक रहेंगे, हमारे यहाँ ठीक नहीं रहेंगे। ऑपरेशन कराने के पहले पहले लिखवा लेगा कि अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे, है ना। आप कहाँ से आ रही हैं मैडम? धनबाद। यहाँ का पता आपको कैसे मिला? पापा बताए। आपके ससुर जी बताएं। आप कितने साल से परेशान थी? एक साल से। क्या दिक्कत होता था आपको? सर में दर्द रहता था, बदन में। सर में और बॉडी में दर्द, बॉडी में दर्द होता था। तो डॉक्टर वॉक्टर को दिखाया कभी? हाँ दिखवाया। तो डॉक्टर क्या बोला? मतलब ये टेस्ट वगैरह हुआ तो कुछ वैसा निकला नहीं, जांच में नहीं निकलेगा, भूत प्रेत। ठीक है, पहले भूत प्रेत को मानते थे आप लोग? हाँ या ना बोलो ना, ईमानदारी से। नहीं मानते थे, भूत प्रेत होते हैं, हर जगह लिखा भी है। तो आपके ससुर आपको बताएं और यहाँ लेके आए, ऊपर के भूत आपने मरवाया। हाँ। कई परसेंट फायदा हुआ? 80% 80% है ना। ये आपकी कौन है? मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है, ये 80% बता रही कि मुझे फायदा हुआ। क्या ऐसा हुआ जी? गवाह हैं आप? आपकी बहू बोल रही है ऐसा सही बोल रही है जी? कितना पढ़ी लिखी हैं आप? इंटर। और ये ग्रेजुएशन करके इंजीनियर हैं। किस चीज के? मैकेनिकल। ये क्या होता है? मैकेनिकल मशीन वाले। अच्छा मशीन के। चलो क्या बोला था उल्टी में इनको निकलेगा? चावल। दो रास्ते होते हैं, मैं वीडियो के जरिए बताता रहता हूँ, या उल्टी या लैटरिंग। तो आपको लैटरिंग के थ्रू निकला, 80% फायदा हुआ। धन्यवाद किसका करना चाहेंगे? ऊपर वाले का। पहले बोली थी मेरा, जो कि ये गलत उत्तर है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, जो भी जिस धर्म के हैं आप, धन्यवाद आपको मालिक का ही करना है। और दूसरा करना है जो आपको यहाँ लाया, यानी आपका पता बताया। कौन बताया? आपके ससुर जी यानी पापा। तो धन्यवाद उनका कर दो, मैं चपरासी हूँ, मेरा धन्यवाद करने का कोई जरूरत नहीं है। आपने भी चेक करवाया, जब आपकी बीबी को बेनिफिट हुआ, पहले तो आप भूत प्रेत मानते ही नहीं थे एकदम, आपकी डिक्शनरी में था ही नहीं, है ना। फिर आपकी जब इसको रिलीफ मिला तो आप भी चेकअप विकअप कराए, पंडित बोला गुटखा निकलेगा, है ना। आपका कहना है कि गुटखा हमने कभी खाया ही नहीं। जब आपको कोई बोलेगा ये गुटखा है ये खाओ, तभी आपको पता होगा। अगर कोई प्रसाद बोल के खिला देगा तो आपको नहीं पता होगा गुटखा निकलेगा। ऐसा एक जैन आया था, बोला लहसुन निकलेगा, वो भड़क गया, तो लहसुन निकला, वीडियो हम है नेट पे डाल दिया। एक बोला विस्की, तो बोला हम दारू पिया ही नहीं है, 20 साल पहले पिया था विस्की, है ना, और फिर निकला। तो जो पंडित बोलता है वो निकलता है, ठीक है। चलो अभी हम आपके साथ भूत प्रेत मारने जा रहे हैं। ये आपका है, आपका हो चुका है। आपको कितना फायदा हुआ? मेरा तो 90% हो गया, खाली ऊपर वाला बात। अरे वेरी गुड, आधा काम कराने से बहू को 80% और आपका आधा काम कराने से 90%। यहाँ पेट में बहुत दर्द रहता था, गैस रहता था, खाना हजम नहीं होता था, 2 रोटी से ज्यादा खा नहीं पाता था, वो सब टोटल कम्प्लीट हो गया। तो इसके लिए डॉक्टर वॉक्टर को दिखाया था कभी? टोटल दिखाने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं है बाबा, कोई रिलीफ नहीं था। डॉक्टरों को कितना दिया होगा? डॉक्टर को छोड़ी ना, जो दिया मैंने बड़ा डॉक्टर को नहीं दिखाया। हाँ, मतलब कहीं डॉक्टरों को दिखाते रहे मगर रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ नहीं मिला। क्या बोला था पंडित आपको निकलेगा उल्टी में? चावल। तो चावल उल्टी से ही? लैटरिंग से। उसका सेंट से हमको पता चला है? सेंट से पता चला। मतलब मैंने लैटरिन करने के बाद जो लैटरिन का सेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा था उस सेंट में। बदबू। यही तो मैं बोलता हूँ। हाँ, पहचान भी मैं वीडियो में बताता रहता हूँ। बदबू से पता। हाँ, इतना बदबू होगा कि आप खुद नहीं बैठ पाओ। बदबू से पता चला। तो उस दिन से रिलीफ मिला। आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर ग्रेजुएशन मैं भी किया। कितना? 15 जी। पूछने का मकसद मेरा ये होता है ना, कितने कहते हैं, कमेंट करते हैं कि ये बाबा जी 100-200 रुपया दे के अनपढ़ों को बैठा के वीडियो बना लेते हैं जी। आप लोग पढ़े लिखे? आध्यात्मिक से मैं भी जुड़ा हूँ। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। हिंदू धर्म में शिव पुराण में और गरुड़ पुराण में इस जो चीज़ आप कर रहे हैं इसका टोटल विवरण दिया हुआ है, लेकिन लोग अभी का युग वाले नहीं मानते, भागदौड़ के जिंदगी में
उस सब चीज को अध्ययन नहीं कर पाता, जिसके चलते लोगों को विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है और परेशान है और फार्म भरते रहते हैं बेकूफी का। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में बोला गया है कि शरीर दो ठो होता है, स्थूल शरीर और एक ठो सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर 5 तत्व का बनता है और क्या कहते हैं आपका सूक्ष्म शरीर 3 तत्व का बनता है, ये स्पष्ट है हम लोग पुराण में, लेकिन लोग अभी आध्यात्मिक से जुड़े हुए नहीं, जिसके चलते सब चीज का कोई ज्ञान नहीं। तो आपको वीडियो देखा आपने हमारा? हमने वीडियो देखा, इस पर मैं विश्वास करता था पढ़ा लिखा होने के बावजूद, चूंकि मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ इसलिए इस पर विश्वास था। तो कितना साल वीडियो देखा? वीडियो तो 2 साल से देख रहा था, लेकिन उतना अपना पर जो तकलीफ है उसको तो मैं दरकिनार करते हुए चल रहा था, लेकिन जब बच्चे पर आ जाता है तो गार्जियन बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही बात है भाई, हम तो कैसे जैसे चलेगा, हमारे परिवार को कोई तकलीफ ना हो, हम कुछ भी करें। जी, गार्जियन का तो ये रोल होता है। तो पहले दिन आप दोनों आदमी कराए थे इसमें? जी, आप लोगों तीनों तीनों पुतो हो, हम मेरे वाइफ। अच्छा, वाइफ बाहर है। उसे हाँ। कितना फायदा हुआ? उसको करीब उसका भी 75% हुआ, लेकिन घुटना दर्द थोड़ा सा बढ़ गया और। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ गया। तो आपका स्पष्ट करना है कि जब तक दोनों का भूत खत्म नहीं जाता, अंदर बाहर दोनों खत्म नहीं हो जाता है, और थोड़ा सा लेट होने से चीट थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है, तो आज मैं अंदर का भूत खत्म कराने के लिए आया हूं। लाए हूं। जी ठीक है। जो जाते जाते अंग्रेज लूट के गए ना, उसी तरह भूत भी जानते हैं कि हम जाना ऊपर जाना है तो जितना इसको परेशान कर सकते हैं कर लें। जी, ये भूत प्रेत आने नहीं देते, बाधाएं डाल देते हैं। जी, अब जिसे आप 2 साल समय नहीं हुआ था, जब समय जिसका हो जाता है तभी वो यहाँ आ भी सकता है। किसी भी व्यक्ति को हम गारंटी भी नहीं देते हैं, मैं ये इसके जरिए बताते रहता हूँ। 100 में 95% ठीक होते हैं, 5 नहीं होते, 5 कोई भी हो सकता है, मैं खुद भी हो सकता हूँ, ऐसा बता दे रहा हूँ सीधे सीधे। और मुझे जिस दिन मालूम हो जाए कि 5 में कौन है, उसको मैं पहले ही ना उठा दूँ कि भाई जहाँ से 5 हो तो निकल जाओ, यानी आपका यहाँ पैसा बर्बाद ना हो। मगर मुझे नहीं पता है, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। कितने वीडियो कॉलिंग पे हो जाएगा, हो जाता है, इस पे मुझे आपत्ति है। फिर मैं उन बेकूफों को कहता हूँ कि आप बनारस आके कराना, मैं वीडियो कॉलिंग पे तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। हो जाता है, हो जाएगा, इसका मतलब होता है गारंटी चाहिए, और मैं किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देता हूँ। गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं देता है। नहीं देता है ना, तो ये वहाँ पर ठीक रहेंगे, हमारे यहाँ ठीक नहीं रहेंगे। ऑपरेशन कराने के पहले पहले लिखवा लेगा कि अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे, है ना जी। फोन लोग को बोलते हैं कि ना करो, फोन पे डिस्टर्ब मत करो, ऑनलाइन जो कराता है काम वो फोन करे कैसे क्या करना है, है ना। तो हम लोग मानते हैं पेशेंट का नाम और फुल एड्रेस, जड़ी बूटी कुरियर करने के, तो उनके पूरी कई पीढ़ी का वो भेज के दे देते हैं, इनका बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा। अरे भैया, सिर्फ पेशेंट का नाम और एड्रेस भेजोगे, हम जड़ी बूटी कुरियर करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं आपका 7ों को मारने जा रहा हूँ, दोनों हाथ अलग करिए। ना बहु परेशान होती, ना आप यहाँ आते, ना आप ठीक होते, ऐसा भी मान के चले। तो आपको धन्यवाद तो बहु का ही करना चाहिए, ऊपर वाले के बाद इसका, कि तुम्हारी वजह से हम भी यहाँ आ गए। सही बात, चलो ठीक है। मतलब कि एक दिन पहले आने का मतलब क्या, हमें फोन भी किए थे क्या, नेट पे हमने लिखा है कि एक दिन पहले आओ, तुम्हारे लिए खुल जाएगा, रूम दे देंगे, धर्मशाला दे देंगे। ये धर्मशाला तुमको दिख रहा है, लंदन से आप आ रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन लिखा हुआ है, नेट पे लिखा हुआ है ना, उसी दिन आना चाहिए। बाहर रुके हुए थे, फोन हमें किया, हमने कहा फौरन वहाँ से निकल जाओ, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। फिर आप कहीं 200 रुपये रात में बिताए, वो भी सेफ जगह नहीं है, ठीक है। अगर कोई दुर्घटना घटती है, जो एक दिन पहले आता है उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, हाँ वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है, नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ।
तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है, दो दिन गुरुवार और रविवार दो दिन 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा